अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बने हैं अहले हवस, मुनसिब भी मुद्दई भी, किसे वकील करे किससे मुनसिबी चाहे। आज बहुत ही संजीदा और सोचने पर मजबूर करने वाले मौजू पर तबसरा करेंगे। अब तक महज अदालतों पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुल्क के अदलिया वाकई ख़त्म होती जा रही है। इख्तदार का तसल्लुत अदला को कैसे खत्म कर सकता है, इस पर अब बहस शुरू हो चुके हैं। एक तरह की डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। अगर आप मुल्क में इंसाफ के लिए लड़ते हैं तो आपको ही मुजरिम कैसे बना दिया जाता है। यह कहानी है गुजरात दंगों की, और इस दंगों में कैसे मुसलमानों की नस्ल कुशी एक मुनज्जम अंदाज में की गई थी। एक खातून जो सामाजिक खिदमतगार है, मजलूमों के इंसाफ के लिए लड़ती है, आखिरकार इसे ही कैसे कड़घरे में खड़ा कर दिया जाता है और उसकी गिरफ्तारी तक अमल में लाई जाती है। और मामला तब और भी संगीन बन जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि लोगों को भड़का कर या फिर गुमराह करके मुकदमों को उकसाने वालों को भी कड़घरे में खड़ा किया जाए। अगर यही फैसला है तो कई सारे मुकदमों में मुस्लिम नौजवानों को बेवजह फंसाया गया, जिनको 10-10 साल 12 साल के बाद इनकी रिहाई की गई, क्या उन पर कार्रवाई हुई? क्या उन पुलिस अफसरान पर कार्रवाई की गई? खैर, जब अदालतों से इंसाफ की तलब की जा रही थी तो 2002 दंगों में हजारों मुसलमानों को कत्ल आम हुआ, और इस वक्त मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के वजीर आला थे, तो मौजूदा वजीर दाखला अमित शाह उस वक्त रियासत गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते। इसे अजीब इत्तेफाक कहा जाए या यूं कहा जाए कि इख्तदार की ताकत के सामने इंसाफ कैसे दम तोड़ जाता है, कितना बौना कितना छोटा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 तारीख को आता है और 25 तारीख को सामाजिक खिदमतगार एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ को ATS अहमदाबाद मुंबई से गिरफ्तार कर लेती है, और ना सिर्फ गिरफ्तार करती है बल्कि भद्दी टिप्पणियां इनकी गाली गलौज पर उतरती है। आखिर जुर्म इतना ही था कि गुजरात फसाद में एहसान जाफरी जो कांग्रेस के MP थे, इन्हें इनकी बीवी ज़किया जाफरी के सामने टुकड़े टुकड़े करके जान से मार दिया गया और फिर जलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार नरेंद्र मोदी को इस मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया। 20 साल तक कानूनी जंग लड़ने के बाद 85 साल की ज़किया जाफरी फिरका परस्त इख्तदार के चलते जंग हार गई, जबकि सभी जानते हैं कि गुजरात फसाद को खुलेआम कैसे अंजाम दिया गया। फख्र के साथ बयान भी किया गया, वीडियो में देखा गया जो फसादिये थे किस तरह से नरेंद्र मोदी का नाम लिया था कि इनकी हिमायत हासिल हुई। खुद पहले अदालत ने वजीर आला नरेंद्र मोदी को कहा था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, लिहाजा जिन्होंने भी गुजरात फसाद के मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई उन्हें जेल में जाना पड़ा। संजय भट्ट तो पहले से ही जेल में है, अब साबिक IPS अफसर श्री कुमार और तीस्ता सितलवाड़ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जानिब से मुंबई के घर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा दर्ज भी किया गया, पुलिस कस्टडी में 14 दिन के लिए भेज दिया गया। ऊपर बताई गई तमाम बातें मशहूर और बुजुर्ग वकील प्रशांत भूषण ने टीवी इंटरव्यू में बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि गुजरात फसाद में मोदी और अमित शाह का मुलव्विस होने की कहानी बनाना गलत था, जबकि ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी इस बात की चर्चा हुई है और कई सारे सबूत भी खुलकर सामने, और कईयों ने इस फसाद को कैमरे के सामने तक मान लिया है। इतने इंडिपेंडेंट एविडेंस होने के बावजूद भी इस तरह का फैसले पर ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी का भी नाम दाखिल करना गलत है, अपने आप में ये बात शर्मनाक कह सकते हैं। आगे बढ़कर गुजरात ATS का FIR करना उससे भी गलत है, मतलब किस तरह तमाम कानून अदलिया को अपनी मनमानी करते हुए चलाया जा रहा है। इस बात को लेकर स्क्रिप्टेड इंटरव्यू भी गृह मंत्री यानी वजीर दाखला अमित शाह ने TV को दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि सवाल जवाब किस तरह पहले से ही तय थे। बाबू बजरंगी माया कोडनानी को सजा दिलाने में भी तीस्ता सितलवाड़ का बड़ा हाथ रहा, जिसे लेकर भी मोदी शाह को गुस्सा होने की बात कही जा रही है। भारत की तारीख में सबसे बड़ा नरसंहार यानी नस्लकुशी के तौर पर गुजरात फसाद को देखा जाता है, जिसका जिक्र कृष्णा एयर कमीशन के टेस्टोमेनीज और रिपोर्ट आई है। राणा यूब ने तहकीक कर तमाम तफसीलात मंजरे आम पर लाए थे, कई सारे फोन कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, और तमाम सबूत इस तरफ इशारा कर रहे थे कि उस वक्त के वजीर आला और मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखला अमित शाह इस नस्लकुशी के लिए जिम्मेदार थे और इनकी हिमायत के बगैर मुमकिन ही नहीं था, ऐसा भी प्रशांत भूषण ने बताया। ज़किया जाफरी जिनका पूरा खानदान हिंदुत्ववादी फसादियों ने आंखों के सामने खत्म कर दिया, एक नहीं ऐसी सैकड़ों मिसालें, शायद हैवान भी से देखकर शर्मसार हुए हूं। हामिला औरत का पेट चाक करके तलवार से बच्चे को तलवार की नोक पर उड़ाना वगैरह, जिसका जिक्र तक करने से जिस्म सहर उठता है, और ऐसे इंसानियत को शर्मसार करने वाले फसादियों के खिलाफ और मजलूमों के हक में लड़ने वाली तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमतों के दबाव में काम करने लगी, ऐसा कई इल्मी दानिशवरों का कहना है। तीस्ता की गिरफ्तारी से एक बार फिर
क्या मुल्क में हिटलर शाही का आगाज हो चुका है? ऐसे भी सवाल उठाए जा रहे। वाजा रहे कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद जस्टिस गंगोई को राज्यसभा की रुकनीयत हासिल हुई थी। इसी तरह एसआईटी के राघवन ने जब कहा कि मोदी जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो राघवन को भी साइप्रस का एम्बेसडर बना दिया गया था। मतलब फैसले बदल दिए जाते हैं तो कुछ मालिदा भी मिल जाता है, तो इल्जाम भी प्रशांत भूषण की जानिब से लगाया गया। खैर, आज का मौजू निहायत सोचने पर मजबूर करने वाला। वैसे तो इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई है। हाल ही में आफरीन फातिमा का घर इसलिए गिराया गया क्योंकि शाहीनबाग की तहरीक में अहम किरदार निभाया था और हुकूमतों से सवाल भी किया था। लिहाजा अग्निपथ अग्निवीर को लेकर करोड़ों की सरकारी मिल्कियत जलाई गई थी, लेकिन इन्हें अपने ही बच्चे कहा गया। लेकिन जहां एक हफ्ते पहले जुमा के रोज शान रिसालत को लेकर मुस्लिम बच्चों ने एहतजाज किए, तो इन पर गोलियां चलाई गई जिसमें दो नौजवानों की शहादत हुई है। और टीवी डिबेट और हुकूमतों की जानिब से भी इन्हें फसादी, जिहादी, उपद्रवी, ना जाने क्या क्या अलकाब से नवाजा गया। वजीर आजम को क्लीन चिट की खबरें तो गोदी मीडिया ने बड़ी दिलचस्पी से चलाई। साथ में तीस्ता सितलवाड़ पर हो रहे जुल्म से मीडिया ने किनारा करना ही बेहतर समझा। संजीव भट्ट और श्री कुमार भी मोदी शाह के खिलाफ आवाज उठाने की सजा भुगत रहे हैं। अब जहां आखिरी उम्मीद बाकी थी सुप्रीम कोर्ट पर भी, क्या हुकूमतों ने कब्जा कर लिया? ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। लिहाजा इतना जरूर है कि अदलिया कानून को फिरकापरस पार्टियों ने अगवा कर लिया है। क्या इन जंजीरों से मुल्क की आवाम आजाद कराएगी? ये भी सवाल उतना ही जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही एक एसआईटी बनाई थी जिसके चेयरमैन राघवन साहब थे। उस एसआईटी ने मोदी जी को बोल दिया कि उनके खिलाफ कोई खास एविडेंस नहीं मिला, लेकिन उसके बाद ही उनको साइप्रस का एम्बेसडर बना दिया था इसी सरकार ने। और इस पर, इस एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मनोज मित्ता ने एक बहुत अहम किताब लिखी है, द फिक्शन ऑफ फैक्ट फाइंडिंग, जिसमें उन्होंने पूरा एक्सपोज किया है कि एसआईटी ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्या क्या नहीं देखा, खासकर वो जो फोन कॉल रिकॉर्ड्स थे उस समय जो कंट्रोल रूम वगैरह से गए थे, और वो सब नहीं देखा गया, बहुत सारी चीजें नहीं देखी गई। लेकिन देखिए, इसमें नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार में जो लोग उस समय तैनात थे, उन लोगों के इन दंगों में इन्वॉल्वमेंट के बहुत सारे सबूत सामने आए थे। पहला तो जब वो जस्टिस कृष्ण अय्यर के नेतृत्व में एक सिटीजन्स कमीशन बना जिसमें कि बहुत लोगों ने आकर एविडेंस दिया, और उन्होंने बहुत अहम रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने ये बोला कि इसमें सरकार के लोग ऊपर से इन्वॉल्व थे इन दंगे करवाने में या दंगों को चलने देने में। कई दिन तक आर्मी को नहीं बुलाया गया, वो भी एक सबूत था। उसके बाद राणा अयूब ने स्टिंग इन्वेस्टिगेशन किया जिसके आधार पर उन्होंने किताब लिखी गुजरात फाइल्स। आशीष खेतान ने स्टिंग इन्वेस्टिगेशन किए जिसमें कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किए कई लोगों के जिनको गिल्टी पाया गया, जैसे बाबू बजरंगी वगैरह। इन सब ने अपने बयान में ये बोला कि भाई इसमें मोदी जी इन्वॉल्व थे और मोदी जी के वजह से उन लोगों को कोर्ट्स में फायदा मिला जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। सो इसमें बहुत सारे सबूत थे, और इस वजह से जाकिया जाफरी के लिए एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन को ना मानना और उसको चुनौती देना और कोर्ट में परसिस्ट करना, वो बिल्कुल वाजिब था। और ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा, मतलब मेरी राय में तो खैर ये डिसमिस करने का बिल्कुल केस नहीं था, इसमें बिल्कुल प्रॉपर री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। लेकिन अगर डिसमिस भी करते तो ये कहना तो बिल्कुल ही बेबुनियाद था कि भाई इन एक्टिविस्ट ने किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचा। ये तो खैर उन्होंने बोला भी नहीं है, लेकिन ये बोला है कि भाई अपने ड्राइंग रूम में बैठकर इमेजिनरी चीज पर ये पिटिशन फाइल कर दी। ये कहना सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल बेबुनियाद था, बिल्कुल बेबुनियाद था। और इसके आधार पर गुजरात एटीएस को एफआईआर रजिस्टर करना, ये तो और भी गलत है। देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को किसी दूसरे जने के ऊपर टिप्पणी करना जो कि उनके सामने नहीं था, और जो जिसको जवाबदेही के लिए नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, उनके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करना, यही बिल्कुल गलत है। इट इज़ ए वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस।
और बगैर किसी को सुने हुए उनके लिए इस तरह का कोई टिप्पणी कर देना या आदेश दे देना कि भाई दे शुड बी इन द डॉक एंड दे शुड बी प्रोसीडेड विद, ये बिल्कुल वायलेटिव है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का। एंड मतलब तो मैं तो बिल्कुल अचंभाजनक हूं कि इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है। मतलब इट इज एब्सोल्युटली फ्लैबरगास्टिंग दैट दिस काइंड ऑफ रिमार्क शुड कम फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, मतलब वायलेटिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और जब इतना सारा एविडेंस, इंडिपेंडेंट एविडेंस मौजूद था, उस पर कोई जना कोर्ट में जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि दे शुड बी प्रोसीडेड विद, अरे भाई उन वो लोग तो कोर्ट में ही गए, कोर्ट में ही ये सारे सबूत रखे, तो इसमें कैसे कोई कोर्ट ये कह सकता है कि इन लोगों का कोई षड्यंत्र है जिसके लिए इनको प्रोसीड, इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि ये फैसला तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा बन के रहेगा, जैसे कि हेबियस कॉर्पस का जजमेंट एक बहुत बड़ा धब्बा था, उसी तरह से ये जजमेंट भी एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे पूरे न्यायिक सिस्टम के ऊपर। देखिए इतने, जैसे मैंने बोला, इतने सारे सबूत हर तरह से आ चुके थे, इतने तरह तरह के, मतलब वीडियोस जो कि इंटरव्यूज उन लोगों से लिए गए जिन लोगों ने खुद नरसिंहार में पार्टिसिपेट किया, बाबू बजरंगी जिनको कोर्ट ने दोषी माना, उन लोगों के वीडियोस जो कृष्णा अय्यर कमीशन के सामने जो टेस्टिमनीज आई और उनकी जो रिपोर्ट आई वो सारी, राणा अयूब ने जो इन्वेस्टिगेशन किया और जो रिकॉर्डिंग्स करी वो सारी, जो कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जो बाहर आए उन सब चीजों से, इतनी सारी चीजों से ये साफ था कि ये नरसिंहार बगैर वहां के जो मुख्यमंत्री थे उस समय मोदी और अमित शाह, उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये नहीं हो सकता था, या कम से कम उनके आंख मूंदने के बगैर नहीं हो सकता था। और इस आधार पर, इतने सारे सबूतों के आधार पर जाकिया जाफरी ये लड़ाई लड़ रही थी, और बिल्कुल जायज लड़ाई लड़ रही थी, बहुत हिम्मत के साथ लड़ रही थी। और उनके हिम्मत का एक कारण ये भी था कि उनको तीस्ता सेतलवाद जैसे फाइन सिटीजन और फाइन एक्टिविस्ट का सपोर्ट मौजूद था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से सिर्फ डिसमिस ही नहीं कर देना, इस तरह की टिप्पणी करना जो कि बगैर उनको सुने, बगैर उनको नोटिस दिए इस तरह की टिप्पणी करना, जिसको आधार बना लिया गुजरात के एटीएस ने तीस्ता सेतलवाद और श्री कुमार को अरेस्ट करने के लिए, ये तो मतलब बहुत ही शर्मनाक चीज है, सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत शर्मनाक चीज है। मतलब इस तरह के फैसले पहले एक आध बार हुए हैं, लेकिन इतने ब्लेटेंट फैसले मैंने नहीं देखे पहले। आज बेलगाम शहर के करीब बेल्लारी नाले में क्रूजर पलटी होने से 7 लोगों की जगह पर ही मौत हो गई और 14 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बेलगाम के करीब इतना बड़ा हादसा होने की नजदीकी दिनों में यह सबसे बड़ा हादसा कहा जा रहा है। कुल 21 लोग सफर कर रहे थे, तमाम मजदूर थे और रेलवे लाइन बिछाने के काम को बतौर मजदूर अंजाम दे रहे थे। गोकाक तालुका तंगीरहाल से इन्हें बेलगाम सामरा रेलवे स्टेशन की तरफ लाया जा रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि गोकाक की इन रास्तों पर सवारियों के लिए मुकाबले लगाए जाते हैं, इसी के चलते आज का भी हादसा हुआ है। कल्लोली ब्रिज के पास गाड़ी ड्राइवर के हाथ से बेकाबू हो गई और 3 बार पलटी खाकर नाले में गिर गई। 7 मजदूरों की जगह पर ही मौत हुई, जख्मियों को जिला अस्पताल में जेर इलाज रखा गया है। हुकूमत ने इन्हें मुआवजा देने का भी ऐलान किया। बेलगाम जिला मुड़लगी गांव के नाले के किनारे प्लास्टिक बरनी में 6 मर्द हमल हासिल हुए हैं, जिससे खलबली मची हुई है। आखिर यह कहां से आया और प्लास्टिक बरनी में क्यों रखा गया, इसकी तहकीक जारी है। डीसी बेलगाम ने इसकी तहकीक संजीदगी से करने का हुक्म दिया है, जिसके चलते कई स्कैनिंग सेंटर्स की तहकीक की जा रही है और छापे भी मारे गए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर काजी नुमानिया हॉस्पिटल से हूँ और हम यहाँ पे आज़ाद नगर में कैंप कर रहे हैं। हमारे काम कैंप करने का मकसद बस यही है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि औरतें अपने सारी जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी प्रॉब्लम्स को निगलेक्ट करती है और सामने खुल के बताती नहीं। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या उनके और कोई भी प्रॉब्लम्स हो घरेलू, तो ये मतलब फ्री कैंप इसलिए है ताकि वो अपने आप को दिखा सके और उनको अपना सही ट्रीटमेंट मिल सके, बस यही हमारा मकसद है। और इससे कैसा है, हर एक चीज़ बराबर से ट्रीट होती है यहाँ पर, हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं देन वी कॉल पेशेंट हमारे वहाँ पर बुला करके और सही से पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये सहारा हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है जो ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे डेंगू की दवाई भी पिलाई जा रही है और टाइफाइड वगैरह हर एक का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। फ्री कैंप, फ्री मेडिसिन भी सप्लाई कर रहे हैं, फ्री शुगर चेकअप भी हो रहा है और फ्री कंसल्टेशन भी हो रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। यहाँ पर अच्छे पेशेंट्स भी आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सादिया मेमन, मेरा हम यहाँ पे आए हैं फ्री सर्विस देने के लिए। सभी पेशेंट्स को माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है, हमने करीबन एक 50-60 पेशेंट्स देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी आर आल्सो गिविंग फ्री मेडिसिन फॉर डेंगू, टाइफाइड एंड अदर सब्सिक्वेंट गायनेक प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ये फ्री सर्विसेज सिर्फ मेडिसिन का ही नहीं, कंसल्टेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन, बीपी, शुगर, हर एक चीज़ यहाँ पे उसकी सहूलियत है, सब चीज़ फ्री में दी जा रही है। डेंगू के लिए पहले हम चेक कर रहे हैं, अगर फीवर कॉन्सिक्यूटिवली मोर देन 5 डेज है तो हम उनको टेस्ट के लिए बता रहे हैं। अगर कोई भी ऐसे सस्पिशंस के टेस्ट हैं, पेशेंट्स हैं, तो हम उनको ब्लड टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। सेकेंड, उसके प्रिकॉशंस के लिए हम ड्रॉप्स भी डाल रहे हैं डेंगू के लिए। सो दिस इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर वेर इन अगर कोई दूसरे पेशेंट है जिसको हमको सस्पेक्ट लग रहा है कि ये डेंगू है या टाइफाइड है, तो हम उनको ब्लड टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। उनके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है हम उनको बताए जा रहे हैं, यानी कि जितना भी नॉलेज है, जितना इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों के लिए भी मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं और जो शुगर और डायबिटीज के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए भी कैल्शियम, आयन और ये सब मेडिसिन भी फ्री में दे रहे हैं। तो मैं सहारा फाउंडेशन को थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने हमको बुलाया यहाँ पर और हमें भी एक मौका दिया खिदमत खल करने का। आज ही गली उर्दू स्कूल नंबर 5 में सहारा फाउंडेशन और चिराग नगर यंग कमेटी की जानिब से एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है, जहां पर बीपी, शुगर, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस, इन सभी का ट्रीटमेंट करके उनको फ्री दवाइयां दी जा रही है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि आकर इस मौके का फ़ायदा उठाएं और सहारा फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है, तो सभी से ये अपील है कि जहां कहीं भी इनके प्रोग्राम्स होते हैं तो उनके प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाइए, जितने लोगों को हो सके ये बात सबको पहुंचाइए और इनके फंक्शंस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर अपना भी खुद का फ़ायदा करके लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह, मेरा नाम माज है और आज इतवार के दिन 26 जून को गी गली 5 नंबर उर्दू स्कूल के अंदर सहारा फाउंडेशन की तरफ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप एंड डेंगू प्रिवेंशन कैंप का रखा गया है, जिनमें अभी जैसा कि सब लोग को मालूम है डेंगू और टाइफाइड के केसेस बहुत चल रहे हैं पूरे बेलगाम के अंदर, तो उसके लेकर के उसके प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा रही है फॉर डेंगू के लिए, ताकि लोगों को उससे बचाया जाए और क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या क्लीनलीनेस वगैरह रखना है, पानी गर्म करके क्लीन करके पीना है वगैरह, प्रिवेंशंस भी बताए जा रहे हैं पेशेंट्स को, ताकि डेंगू की बीमारी से बचा जाए, प्रिवेंट किया जा सकता है। और उसके बाद फ्री चेकअप कैंप किया जाता है जिसमें बीपी, शुगर वगैरह पेशेंट्स का चेक करके या किसी को कोल्ड एंड कोराइजा है, खांसी, सर्दी, बुखार वगैरह है, तो उसकी मेडिसिन देकर उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सहारा फाउंडेशन
आज सुबह 8 बजे से कैंप को स्टार्ट किया और अभी तक 150 से ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं, और उसके बाद भी हर वीक हर संडे को कुछ ना कुछ फंक्शन रखते हैं। जैसे लास्ट संडे को जोन नगर के अंदर आई टेस्टिंग कैंप रखा था, इस संडे को यहाँ पर जनरल हेल्थ चेकअप कैंप रखे हैं। इसी तरह हर संडे को इनके किसी न किसी एरिया के अंदर कैंप्स वगैरह रहते हैं। तो सारे सबसे अपील है कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह को भी इसका फ़ायदा उठाने के लिए कहें। अस्सलाम वालेकुम। बुरोज इतवार 26 तारीख को सहारा फाउंडेशन की जानिब से ये हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया है, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है। इसके अंदर डेंगू, मलेरिया, शुगर, ये सारे चीज़ों का ट्रीटमेंट हो रहा है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि सब लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएं, और जहाँ पे भी ये सहारा फाउंडेशन की जानिब से जहाँ भी ये कैंप रखा जाता है और सब लोग पहुँचने की कोशिश करें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज सहारा फाउंडेशन एनजीओ और चिराग नगर यंग कमेटी की जानिब से जो हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया है, इसके अंदर पहले तो मैं हमारे चिराग नगर यंग कमेटी के सदर जनाब ज़ियाउद्दीन नांगे साहब का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। इनका जो साथ है इसकी वजह से ये काम मुकम्मल हुआ है, आज सक्सेसफुली तौर पे हुआ है। और इसके अंदर आज कैंप के अंदर हम लोगों का दो इंटेंशन थे, जो वायरल डिजीज़ जो चल रहा है आजकल, डेंगू है, टाइफॉइड है, तो ये प्रिवेंशन हम लोगों ने आज कैंप भी रखा है और इसके अंदर टाइफॉइड स्क्रीनिंग भी रखा है। और उसके अलावा जो बाकी जो बीमारियां होती हैं, जैसे बुखार हो गया, सर्दी हो गई, तो इसके और पीडियाट्रिक भी हमारे पास मेडिसिन है, तो हम लोग सारी आज मेडिसिन इसके अंदर फ्री दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले मतलब 1-2 महीने के अंदर हम लोग पूरा सारा बेलगाम कवर करना चाहते हैं डेंगू प्रिवेंशन कैंप्स करके। तो मेरी यही अपील है कि सारे जो यंग कम्युनिटीज है, वेदर इट इज़ फ्रॉम एनी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी से होने दो, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनके उधर डेंगू प्रिवेंशन कैंप करना है तो। अस्सलाम वालेकुम।